अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल, मे अल्लाह ब्लेस यू। ओके गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत स्पेशल जगह जा रही हूँ और वहाँ पे मैं आपको बहुत स्पेशल जगह दिखा भी रही हूँ। मैं जो स्पेशल जगह आप लोगों को दिखा रही हूँ गाइस, ये कराची में मौजूद है करीमाबाद पे, और करीमाबाद में ये है मेमन वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर। ये ना सिर्फ वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत फेमस सेंटर है, जो एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बहुत ही इन लोग की जो कॉस्ट होती है, जो कोर्स की जो कॉस्ट होती है वो बहुत लोएस्ट होती है इफ़ वी कंपेयर टू अदर सेंटर्स। तो ये बहुत अर्ली एज से कायम है, ये जो कम्युनिटी सेंटर है ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं गाइस, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जैसे कि आर्ट्स, क्राफ्ट, ब्यूटिशन की चीज़ें यहाँ पे कोर्सेज होती हैं, लैंग्वेजेस की कोर्सेज होते हैं, गारमेंट्स के, सिलाई कढ़ाई, और इसके अलावा मेहंदी की, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी सलोन, और इसके अलावा आप यहाँ पे कंप्यूटर के भी कोर्सेज सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जो कि करीमाबाद में मौजूद है, तो मैं वहाँ आपको लेके जा रही हूँ गाइस। और वहाँ पे मैं आपको बाहर का पूरा एरिया दिखाऊंगी कि वो कितना, वो ना सिर्फ अंदर अपनी सेंटर बहुत मशहूर है, लेकिन बाहर का जो इसका जो एरिया है वो भी बहुत मशहूर है, क्योंकि बाहर के एरिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे लोग जो अंदर जाते हैं वो बाहर से बाई करते हैं, लाइक कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं और कुकिंग की भी बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो बाहर लोएस्ट प्राइस में मौजूद हैं, जिसके रेट्स बहुत कम हैं अगर हम दूसरी जगह से कंपेयर करें। तो वहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है आज का व्लॉग गाइस। आप लोग ने मेरे साथ रहना है और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो ये लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, लेट मी टेल यू दैट हम लोग वहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स बाई नहीं कर सकते, क्या हम लोग भी वहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाई कर सकते हैं, और लोएस्ट रेट्स में वहाँ मौजूद है। तो गाइस आप लोग भी देखें, और जिसको वहाँ पे अगर कोई चीज़ पसंद आ सकती है तो हम वहाँ जा सकते हैं और हम लोग भी वहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत फेमस जगह है गाइस। ओके गाइस, लेट मी इन्फॉर्म टू यू कि मैं ये खुद नहीं हिल रही, मेरा कैमरा नहीं हिल रहा है, ये हमारी गाड़ी के इतने ज़्यादा यहाँ पे कोई रूट्स टूटी हुई हैं इस लाइन में, तो ये उसी वजह से मेरा मोबाइल बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि रोड्स काफ़ी हद तक टूटी हुई हैं और ये बहुत बिजी स्ट्रीट है। मैं आप लोग को जो लेके जा रही हूँ ये हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट से हम जा रहे हैं मेमन फाउंडेशन की तरफ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मैंने गाड़ी के बाहर से बनाई है, ये फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद की बहुत फेमस है पूरे कराची में, हम देख सकते हैं यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे मज़े मज़े के खाने इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सारे किस्म के खाने अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे जूसेस, आइसक्रीम, फालूदा, और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज के साथ गार्डन्स भी मौजूद हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कह सकती कि यहाँ पे मौजूद नहीं होती है। यहाँ पे हर किस्म की और बहुत मज़े मज़े के आइटम्स होते हैं, क्योंकि मेमन कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पे बहुत से ऐसे खाने हैं जो उन्होंने खोले हुए हैं, और वो बहुत मज़े के जायकेदार होते हैं और सभी के होते हैं, नो डाउट। सब जो बनाते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, फेमस रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कराची हलीम भी है, कराची हलीम, और बिरयानी सेंटर्स भी हैं, और इसके अलावा पिज़्ज़ा पॉइंट्स भी हैं, और इसके अलावा हम सोडा या भी लिमका भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कराची आइसक्रीम जो कि बहुत फेमस है, जो कि यहाँ पे जिसके रेट्स बहुत कम हैं, रबड़ी वगैरह भी यहाँ पर मिलती है, और इसके अलावा चरगा जो कि बहुत मशहूर है, तो बहुत फेमस है यहाँ पे चरगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये मस्जिद है यहाँ पे। अब इसी के बिल्कुल हम यहाँ पे जो मिलते हैं लेफ्ट पे जब हम साइड लेते हैं, तो ये हम आ जाते हैं आदमजी इंस्टीट्यूट के साथ, मेमन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट है बल्कि कम्युनिटी सेंटर है, और गाइस ये पूरी उसकी बाहर की लाइन है जो मैं गाड़ी से बैठ के ले रही हूँ,
और जैसे ही गाड़ी हम पार्क करेंगे तो मैं कोशिश ट्राई करूँगी कि नीचे उतर के भी लूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए यहाँ से भी पूरा मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए कैसे नॉवेल्स हैं यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स के बाहर भी आइटम रखे हुए हैं और अंदर इसकी बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, क्योंकि जो ब्यूटी की जो कोर्सेज करते हैं वो यहाँ से आके सारा अपना सामान ले लेती हैं, मेकअप का सारा कॉस्मेटिक हम ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शवरमा भी हम ले सकते हैं, चलते फिरते खा सकते हैं अगर किसी को भूख लगे तो। और इसके अलावा ज़्यादातर जो बाहर जो ठेले लगे हुए हैं वो कॉस्मेटिक्स के हैं, खाने पीने के भी हैं। और ये है गाइस बिल्कुल हमारे सामने मीमन फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल सेंटर मीमन फाउंडेशन, जिसकी मैं बात आप लोग से कर रही थी गाइस। तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपने कोर्सेज सीखने के लिए। और ये हैं वो फ्लावर्स आर्टिफिशियल, जो कि खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर हम लगाएं तो, क्योंकि अंदर प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। और इसके अलावा ये बहुत रश वाली लाइन है गाइस, यहाँ पे व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। बहुत ही बिजी स्ट्रीट होती है ये भी। और इसके अलावा यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप भी अंदर, ये फ्लावर्स की है बाहर। और यहाँ पे मास्क वगैरह कॉस्मेटिक का कोई ऐसा सामान नहीं है, जो यहाँ पे फेशियल का स्पेशली सामान यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और हम सब ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही उसके भी रेट्स इतने ज़्यादा नहीं है। अगर हम पूरा फेशियल का सामान डिफरेंट कंपनीज के लें तो अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं। गाइस आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें आप लोग कि मैं कॉस्मेटिक की दुकान है जो मैं अंदर से ले रही हूँ गाइस। और इस टाइम यहाँ पे लाइट नहीं थी, ये UPS चल रहा था शॉप पर, तो यहाँ पे फेशियल का सामान मैं पूछ चुकी थी तो उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं। पूरी किट अगर हम लेते हैं तो 1200 से लेकर 2500 तक मौजूद है, और अगर हम अलग अलग पीसेस में लेते हैं तो क्लींजर 300 से लेकर 600 तक मौजूद है, क्लींजर मास्क स्क्रब वगैरह जो भी आप लेना चाहें। तो ये बहुत मशहूर है, यहाँ पे चीज़ पनीर वगैरह भी हम ले सकते हैं, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में होते हैं। अगर हम सुपरमार्केट से लें तो वहाँ पे थोड़े महंगे हैं, लेकिन यहाँ चीप प्राइस हैं। अगर हम यहाँ पनीर और ये सब कुछ चीज़ें लेना चाहें पास्ते के लिए तो वो भी अवेलेबल है। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ये मेरा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो टिल देन माय नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर गाइज, सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।